अभी अभी आपके साथी ने कहा कि जेटेट सफल अभ्यर्थी, जैप सफल अभ्यर्थी और पंचायत सचिव सफल अर्थियों की मांगों को अनसुना करने की वजह से आप लोग यहाँ पे एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को? देखिए, सवाल ये नहीं है कि हम धरने पर बैठे हैं, सवाल यह है कि हमें धरने पर बैठना ही नहीं। झारखंड में जो चुनाव हुआ था 2019 में, वो सिर्फ बीजेपी या महागठबंधन के लिए नहीं हुआ। वो चुनाव जो हुआ था, एक तानाशाही सरकार थी, एक तानाशाही मुख्यमंत्री था, इसका नाम रघुवर दास था, और उसके खिलाफ राज्य की जनता चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पूरे राज्य की जनता चुनाव लड़ रही थी, और हेमंत सोरेन को बतौर मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर दिया गया था राज्य की जनता द्वारा, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट नहीं, राज्य की जनता ने अपना दिल निकाल कर दिया, अपनी भावनाएं दे दी थी। रघुवर दास के कार्यकाल में जो गोलियां चली, जो लाठियां चली, जो आंदोलन हुआ, युवा सड़कों पर रहा, इन सभी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हेमंत सोरेन, उनको वोट किया गया था। बाकायदा जनता ने ये कह कर दे दिया था कि अगर कोई विकास इस झारखंड का कर सकता है तो मात्र हेमंत सोरेन ही। लेकिन पिछले 9 महीने में जो स्थिति चल रही है पूरे झारखंड के, हम उस पर ना ही बात करें तो बेहतर होगा। लेकिन पिछले 15 दिनों से जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जेटेट सफल अभ्यर्थी, पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी, जैप सफल अभ्यर्थी, ये सब लोग डिमांड कर रहे हैं रोजगार को लेकर। ये डिमांड इसलिए है क्योंकि हेमंत सोरेन ने इनसे वादा किया था। अगर हेमंत सोरेन वादा नहीं करते तो शायद ये लोग धरने पर नहीं बैठते। अब जब धरने पर बैठे हैं तो मुख्यमंत्री राज्य का अभिभावक होता है, अभिभावक पिता तुल्य होता है। मुख्यमंत्री की ये नैतिक जिम्मेवारी है और मानवता के नाते भी मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं कम से कम उनसे आकर मिला जाए, उनसे बातचीत किया जाए, आखिर मामला क्या है ये समझा जाए। मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, चलिए वो बड़े आदमी हो गए हैं आजकल चुनाव जीतने के बाद, सर यानी मुख्यमंत्री का कोई छाया भी यहाँ पर आकर इन युवाओं से मिल सकता था और मिलकर बातचीत कर सकता था कि चलो देखो कोरोना है, हम लोग 6 महीना 1 साल बाद बात करेंगे, अभी छोड़ दो मत बैठो। ये जो हठधर्मिता है सरकार की, हम उसके खिलाफ और उसके आक्रोश में गांधी के नीचे बैठे हैं, गांधी के जो प्रतिमा है उसके नीचे बैठे हैं। ये सवाल हम मुख्यमंत्री से नहीं कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सवाल हम गांधी से कर रहे हैं कि आपकी विचारधारा में ऐसी कहाँ कमजोरी रह गई थी कि जो भी सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने से पहले आपकी विचारधारा पर चलते हैं और सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल भुला जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, सुन रहे होंगे या उनका कोई भी प्रतिनिधि सुन रहा होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये एक दिवसीय उपवास शाम 5 बजे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो दुख है ना, अंदर जो दर्द है वो लंबे समय तक चलेगा, और ये दर्द आक्रोश बनकर निकलेगा और राज्य के युवा सड़कों पर होंगे। सड़कों पर इसलिए नहीं होंगे कि आपको सत्ता से हटाना है, सड़कों पर इसलिए होंगे कि आपको यह बताना है कि आप एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, भगवान नहीं हैं। अगर आप खुद को भगवान मान रहे हैं तो यह आपकी गलती है, आपकी भूल है। और अगर आज 4 दिनों के अंदर अगर राज्य के मुख्यमंत्री इन युवाओं के पास किसी को नहीं भेजते हैं बात करने के लिए, बतौर राज्य के, बतौर सरकार के प्रतिनिधि, 4 दिन के बाद जो हमारा फैसला होगा वो आपको तो बता दिया जाएगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो इस प्रकार होगा कि राज्य की सत्ता में पिछले 19 साल 20 साल में ऐसा नहीं। बापू वाटिका के समक्ष आप लोग बैठे हुए हैं, क्या किन मांगों को लेकर क्या बैठे हुए हैं यहाँ पे? आज हम लोग बापू वाटिका महात्मा गांधी के समक्ष हम लोग एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। आज का उपवास का वजह है कि आज झारखंड राज्य के अंदर युवाओं का, सफल जेटेट अभ्यर्थियों का, सफल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का और सफल झारखंड सशस्त्र पुलिस बलों के अभ्यर्थियों का जो लंबे समय से, पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन जो आंदोलन देख रहे हैं, आज कई दिन बीतने के बावजूद सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सकारात्मक वार्ता नहीं होने के खिलाफ, जो एक हठधर्मी सरकार जो हठ के साथ बैठे हुए हैं, वार्ता नहीं कर रही है, इसी के खिलाफ आज हम लोग, मैं देवेंद्र नाथ महतो और मेरे साथ तीर्थनाथ आकाश एक दिवसीय उपवास में बैठे हैं। और आज इस उपवास के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो तमाम तरह के जो आंदोलन देख रहे हैं, ये वही आंदोलन है जो पिछले रघुवर दास के
कार्यकाल से होते आ रही है, और उस समय जो उनका तानाशाही था, जो समय उनका हठधर्मी था, जो उनके उस समय जो आंदोलन को नहीं सुना जा रहा था, उसी के चलते आपको वोट करके आपको सरकार में सत्ता में बैठाया है, आपके हाथों बागडोर सौंपा है राज का। और आपको इसलिए नहीं सौंपा है कि वही आंदोलन आज भी जारी होता रहे, आपको इसलिए नहीं सौंपा है कि हम लड़ाई लड़ते रहें और मेरा आवाज़ को हमेशा की तरह दबाया जाए, इसीलिए इस उपवास के माध्यम